वालेकुम। सर्दियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो सब्जियों का भी, तो क्यों ना हम बनाएं शलजम पालक। इसी तरह से और भी सब्जियां बनती हैं गोश्त में, जैसे गोभी गोश्त, पालक गोश्त, साग गोश्त, जो भी आपको पसंद करते हैं। गोश्त तो हमने बहुत खा लिया, तो क्यों ना हम बनाएं शलजम पालक। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह से हम पीसेस में कट कर लेंगे सभी शलजम, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। शलजम को हमने देखिए इस तरह से कट कर लिया है। इसी तरह आपको कट करना है, और शलजम इसमें ज्यादा जाता है और एक गड्डी जाएगी इसमें पालक की, जो वो इस तरह से है। तो मैं ये भी आपको कटिंग करके दिखाऊंगी पालक के किस तरह से ये कट होता है। बारीक बारीक हम इस तरह से इसे कट कर लेंगे चॉपिंग बोर्ड पे। इसी तरह हमें सभी पालक बारीक कट कर लेना। इसमें जाएगी एक मीडियम साइज की प्याज, और इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जी अब देखिए इस तरह से बारीक बारीक, जैसे हम ऑमलेट की काटते हैं। आधा कप ले लिया है हमने ऑयल, ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हम इसमें डालेंगे यही बारीक कटी हुई प्याज, इसमें ऐड करेंगे और इसको हमें गोल्डन ब्राउन कर लेना है प्याज। जी अब देखिए प्याज ने हल्का हल्का कलर देना शुरू हो गया है, बस इसी स्टेज पर अब हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ टी स्पून लहसुन का पेस्ट और हाफ टी स्पून अदरक का पेस्ट, इसको भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जी अब देखिए मसाला हमारा इस तरह से जो है प्याज और मसाला इस तरह से भून चुका है, तो अब इसमें हम डालेंगे हाफ से भी कम यानी कि बहुत ही कम थोड़ा सा पानी, ताकि ये जली लगे। और इसमें हम डाल देंगे अब इसे मसाले, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं हाफ टी स्पून डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून डाल रही हूँ मैं रेड चिली पाउडर, 1/3 टी स्पून डालूंगी मैं हल्दी पाउडर, और ये देखिए अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये धनिया पाउडर, ये भी हाफ टी स्पून। तो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे मसाले, और इन मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो इसमें टमाटर पीस कर फ्रेश डाल सकते हैं, हम प्यूरी डाल रहे हैं। 2 टेबल स्पून डालूंगी मैं टमाटर प्यूरी, और इसको हम अच्छे से मसालों को इसके साथ हम भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये मसाला हो चुका है, देखिए बस इसी को इसी तरह हमें चलाते रहना है। जी अब देखिए माशाल्लाह से मसाला इस तरह से हमारा भून चुका है, ये देखें कितना ज़बरदस्त ये। अब इसी स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें शलजम। इन सब्जियों की तो क्या बात है, फ्रेश है और ये सीजन की सब्जियां हैं, इनका मज़ा तो इसी दिनों खाने का है। तो ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मटर भी ज़बरदस्त आई हुई है आजकल, और इसमें हमने ऐड कर दिया है ये पालक। पालक तो आप जानते हैं पानी छोड़ेंगे ये अभी, और इसको अभी थोड़ी देर इसी तरह छोड़ देंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। जी अब देखिए पालक पूरी तरह से देखिए बिल्कुल भुज गया है, यानी कि पालक ने अपना पानी और शलजम में छोड़ दिया है। बस अभी हम डाल देंगे आधा कप ये पानी, और इसमें हम ले लेंगे 3 विजल। तीन विजल के बाद हम देखेंगे ये गला है कि नहीं, तो ये इस तरह से हो गया है। अब हम इसमें लगा देते हैं ढक्कन, हम खोल के देखते हैं किस तरह से तैयार हुए हैं। जी अब देखिए इस तरह से हैं, तो अभी हमें इनका सही तरीका जो है
इसको भूनते भी जाएंगे और इसके साथ साथ हम इसे मैश करते भी जाएंगे, यानी कि हम दिखाएंगे ये मैशर, आपके पास जो भी हो आप उससे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से, और आँच हम हल्की रखेंगे और इसी तरह हम सभी शलजम को मैश कर देंगे जी। अब देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल मैश कर लेना है और इसका ये पहचाने, देखिए बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल छोड़ दिया है, ये भुना भुना हो गया है। बस अब हम इसे कर लेंगे डिश ऑफ। तो इसमें हमने डाली है साबुत 2 हरी मिर्च रफली चॉप करके, और इसमें एक बारीक कटा हुआ हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है। तो अब मैं करती हूँ इसे डिश आउट जी। अब देखिए शलजम और पालक हमारा बन के तैयार है। आप इसी तरह इस रेसिपी को ट्राई करें ज़रूर, पराठे के साथ खाएं या चपाती के साथ, ये आपके ऊपर है। तो मैं अब लेती हूँ इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मैं इंशाल्लाह हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।